IRCTC यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसमें नई एंट्री करना चाहते हैं शिवम बानियार। तो बताइए, IRCTC वैसे तो बहुत ज्यादा आपने सावधान कर रखा है कि भाई जो पहले जो फ्रेंजी वाले शेयर थे उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या IRCTC में कुछ नई सुगबुगाहट, कोई नया मूव बनता हुआ आपकी नजर में? देखिए, पहले वाले जितने भी सेक्टर्स हैं ना, उनसे दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है मेरे हिसाब से। जितने भी फ्रेंजी वाले हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स में कह रहा हूँ, जब अब आपको सब फॉरेन ब्रोकरेज हाउस बता रहे होंगे कि प्राइवेट केपेक्स बढ़ने का समय आ गया है, सब कुछ होने का समय आ गया है, मुझे लगता है सब प्राइस में फैक्टर्ड है। तो केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, एयर, मतलब ये सब जो भी हैं, जो पहले से चलते हैं, PSUs, ये सब जो भी हैं, इसमें या तो मार्केट लिंक्ड रिटर्न बनेगा या उससे कम रिटर्न बनेगा या नुकसान भी होगा। जगह चेंज करनी होगी पैसा बनाना है तो। बहुत समय पहले जिस समय बैंक को बहुत वीक इंडेक्स डिस्कस किया जा रहा था, उस समय से मैंने आप लोगों को बैंक, खासकर प्राइवेट बैंक, इस चीज़ को आप पहले के एपिसोड्स देख के समझ सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स, NBFCs में आपकी प्लेसमेंट मैंने करने को बोला, वहाँ पे करिए, वहाँ पे चेंज आएगा। उस हिसाब से सेक्टर पोजिशनिंग अगर सही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहीं पे अब आप वो फ्रेंजी वाले कंपनी स्टॉक्स में जाएंगे तो मुश्किल है। मतलब विथ ड्यू रेस्पेक्ट, जो न्यूज़ में डिस्कस होता है जो सारी चीज़, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास पैसा कमाने का मौका बनता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत, छोटा बहुत खाना मिल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे जितना, उतना फ़ायदा होगा। और आप देख ही रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन, इलेक्शन रिजल्ट के दिन नहीं, क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल के दिन जो बोल रहे थे, एग्जिट पोल के दिन मैंने ये चीज़ आपको समझाया था कि क्यों PSUs ब्लीड करने चाहिए यहाँ से। और उसके बाद से आपकी सिचुएशन आपको अब तक समझ में आ गई होगी। वैल्यूएशन इज की, इन सब से दूर रहिएगा। अपनी सेक्टर पोजिशनिंग रिटेल, कंजम्पशन, मीडिया, BFSI, बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, विथ लार्जर स्क्यूनेस टू फिनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक्स, टॉप प्राइवेट बैंक्स, इन सब चीज़ों में आप करेंगे ना तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो भी चीज़ आपको डिस्पोजेबल इनकम, जो भी चीज़ आपको कंज्यूमर कंजम्पशन ट्रिगर करने वाली है, उन सब जगह में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ट्रिगर करने वाली है, वेदर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट और इवन मास सेगमेंट, इन सब जगह पे फायदा अगले 2-3 साल में होगा। वहाँ पे पोजिशनिंग करें, ये सब में तो कैटरिंग वेटरिंग जो भी है तो चलता रहेगा, कुछ खास है नहीं इसमें। फिलहाल कैसा है इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज का? इसने काइंड ऑफ बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट अपने आप एक 860 पे डिफाइंड कर लिया है। 860 कह लें, 840 कह लें, ये रेंज जो भी है डिफाइंड है। यानी ये आपको 4 जून का ही लो होगा सब जगह बस। तो मेरे हिसाब से तो बाहर रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी का कुछ इस पे व्यू है तो जब तक 847 वाला जो लो है, कितना का लो है ये लो है आपका 845 का, ओके। बट एनीवेज मैं उतना नहीं चाहता, मेरे हिसाब से आपका 850 आप रख लें क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे क्लोज हुआ तो गया, जब तक वो क्लोज नहीं होता है मे बी ये एक रेंज रहेगा 850-955 तक ऊपर जाने का मैक्सिमम। वहाँ पे इसकी रीवैल्यूएशन करेंगे, 950-955 के पास जिसका भी सवाल है फिर से लेके आइएगा, वहाँ पे रीवैल्यूएशन करेंगे क्या 850 इसका एक डिफाइंड बॉटम बनने के चांसेस हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कि 950 के आसपास फिलहाल ये स्ट्रगल करेगा और 850 सम फाइंड इट टूट जाएगा। लेकिन जब तक नहीं टूटता है तब तक तो नहीं टूटता है। जी, तो फिलहाल जो उम्मीद है वो 850 के लेवल पर है और उस पर खास नजर रखने की जरूरत रहेगी।